अलकायदा सरगना अल ज़वाहिरी को ड्रोन अटैक में मार गिराया है अमेरिका ने, और जिस तरीके से यहाँ पर भारत के संदर्भ में जो आतंकी चुनौतियाँ हैं किस तरीके से देखते हैं, सांसद हैं हमारे साथ पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता और सांसद दिलीप घोष। दिलीप घोष जी, और ख़ास तौर से जिस तरीके से अल ज़वाहिरी को मार गिराया है, इसके बाद ये चर्चाएं हैं कि भारत को भी ऐसी बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, एक आतंक के खिलाफ बड़ा मैसेज देने की ज़रूरत है ऐसे आतंकवादी गुटों के खिलाफ। हाँ, इतने बड़े आतंकवादी तो हमारे देश में है ही नहीं, जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जेल में हैं लोग, कुछ तो पुलिस के गोली का शिकार भी बन गए हैं। आज प्रशासन दुरुस्त है, चुरुस्त है। पहले इन लोगों को यहाँ पनाह दिया जाता था, शेल्टर दिया जाता, इनका लाभ लिया जाता था, आज वो नहीं है, इसलिए कमज़ोर है। लेकिन कश्मीर और कुछ जगह में इनका गतिविधि अभी भी चल रहा है, सरकार पूरा सजग है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफ़ी मस्तूदी से और चुस्ती फुर्ती से इनके साथ आ रहे हैं, पेश आ रहे हैं, तो गतिविधि कम है, लेकिन अभी भी है छुट मोट जो इनका शाखा यहाँ। मुझे लगता है यहाँ की जो सरकार है वो इसको आगे बढ़ने नहीं देगी। और अगर पश्चिम बंगाल का जिक्र होता है, आतंकी चुनौतियों का जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में देखने को मिली है, कैसे निपटने के लिए कारगर कदम उठाए जाए? नहीं, कल पश्चिम बंगाल की जो सरकार पहले भी थी अभी भी ये सॉफ्ट है इनके बारे में, इसलिए वहाँ जाके ये लोग शेल्टर लेते हैं। पूरा देश के जहाँ भी जितना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी अलग अलग संस्था जो विच्छिन्नतावादी संस्थाएँ हैं, सब वहाँ जाके शेल्टर लेते हैं। पकड़े भी गए हैं कुछ, वहाँ बाहर के सरकार की फोर्स जाके उनको अरेस्ट भी किया है, तो वहाँ की सरकार के रवैयाकरण ये हो रहा है, इसीलिए वो सरकार का बदलाव होना चाहिए। और हम बयान देख रहे हैं इस घटना के बाद, जबकि अल ज़वाहिरी को मार गिराया गया है, बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी बयान दिया है, देश के अल ज़वाहिरियों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत हुआ है एक्टिविटी, इसलिए कम हुआ है उनका, सरकार बहुत कड़ा है। दो चार लोग जो छुपे हुए हैं, पहले यहाँ से काफ़ी रिक्रूटमेंट होता था केरल से, उत्तर प्रदेश से, इधर से टेररिस्ट का, वो भी कम हुआ है, आगे और भी कम हो जाएगा। दो चार अगर ज़्यादा करेंगे तो गोली में साफ होंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और अल ज़वाहिरी को जिस तरीके से मार गिरा है अमेरिका ने, ऐसे में देश के आतंकवादियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग उठ रही है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।